ये देखिए चटोरे ने सबसे पहले ब्रेड ब्रेड पकौड़ा उठाया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज संडे और एज यूजुअल संडे व्लॉगिंग चालू है और संडे व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आज घर में अभी टाइम मैं आपको बता दूँ 12 बजने वाले हैं। सो हमने 12 बजे व्लॉगिंग स्टार्ट की है क्योंकि लेट हो गए। सो और लेट होने का दूसरा कारण ये है कि इस मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी कल परसों 2 दिन से। मतलब उसका पेट में दर्द था, वही जो बोलते हैं नाप आ गई है, वैसे उसकी नाप आ गई थी। सो मतलब पहले घरेलू इलाज करके देखा है तो घरेलू इलाज से भी मतलब इतना कुछ फ़ायदा, थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। सो इसको कल मैं वैद्य के पास ले गया था, जो डॉक्टर होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होता है उसके पास ले गया था मैं। और उसने फिर अभी कल इसका ट्रीटमेंट किया है और कुछ दवाई दिया है। दवाइयाँ मैं दिखा दूँ आपको, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बढ़िया हैं जो वो देते हैं ट्रेडिशनल। सो ये कुछ इस टाइप से दवाइयाँ हैं इसकी और अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, थोड़ा सा आराम है उससे। शाम को हम लोग गए थे कल सैटरडे को, और उससे थोड़ा सा आराम है। ऑलमोस्ट वो तो अच्छा हुआ कल हम लोग टाइम पे पहुंचे। जैसे हम पहुंचे वैसे शॉप बंद हो रही थी, 8 बज रहे थे उस टाइम, 8 बजे तक का उनका टाइम था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दोबारा अपना क्लिनिक खोला और हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया और दवाई भी ली। काफ़ी अच्छे और पोलाइट लोग थे। अभी यही चल रहा है। बाकी अभी इसकी शक्ल देख के बता सकते हैं मुरझाई हुई शक्ल, क्योंकि अभी इसको मतलब रिकवर मोड में है, अभी रिकवर हो रही है धीरे धीरे। सो मे बी आई होप जल्दी आराम आए। और चलो ये बताओ टाइगर किधर है? टाइगर हमारा बेटा, हमें टाइगर बताएगा कहाँ पे। टाइगर बताने के लिए इतने मेहनत की जा रही है बच्चे के द्वारा। और वेली गुड बेटा, वेली गुड। मेरा बेटा इतना पाला, इतना क्लाइम करके गया है वो टाइगर बताने के लिए। वेरी गुड, आ जाओ नीचे, आ जाओ बेटा। हलवा और वो हलवा और नहीं, थोड़ी जल्दी बता, पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है। खाली कढ़ाई में क्या बनने वाला है? आलू के वो ब्रेड के पकोड़े। ब्रेड के पकोड़े? ब्रेड के पकोड़े और हलवा, ये क्या कॉम्बिनेशन है। मीठा मीठा और चाय भी साथ में, दोपहर को चाय। वाह हलवा। हम लाइट, वैसे डॉक्टर ने कहा था थोड़ा लाइट ही खाना है, तो हम लोग मतलब हमें समझ नहीं आता लाइट, तो यही हमारे लिए लाइट है। उसने वाला लाइट खाना है तो हमने सोचा कि ट्यूबलाइट निकाल के तो नहीं खा सकते। हमने वहाँ तो अवॉइड कर दिया, लेकिन घर पे आके हमने बोला लाइट नहीं खाएंगे, हम कुछ खाना ही खाएंगे। उस कुकू सही में बहुत पब्लिक बहुत इरिटेट हो जाती है इस आवाज़ से, पता है तेरे को? इस आवाज़ से पब्लिक बहुत इरिटेट हो जाती है बेटा। हाँ ये नहीं करना है। और बच्चे चाहते हैं अटेंशन, वैसे ही इसी को अटेंशन चाहिए। यह अटेंशन सीकर है, टेंशन ना मिले तो ये हंगामा कर देती है। वो सब मैं दिखाता हूँ हमारा क्या कॉम्बिनेशन बना है आज खाने का। सो लुक एट दिस, दिस इज हलवा और ब्रेड पकोड़े, साथ में क्रंची चिप्स, चाय और सॉस। और ये देखिए, ये मेहरबानी है इनकी। ये देखिए चटोरे ने सबसे पहले ब्रेड ब्रेड पकोड़ा उठाया, इसकी नाप आ रखी है और ये बेसन खा रही है। और इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि, मेरे को लग रहा है आराम आ रखा है, कुछ नौटंकी चल रही है क्या यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अभी जब बन चुका है तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी हम खाएंगे ये लंच, और लंच हो चुका है डन। और अभी दोपहर है, गर्मी है, मतलब टेम्परेचर तो इतना खतरनाक है कि जिसकी हद नहीं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है घर में, तो बहुत गर्मी लग रही है। कूलर एसी कुछ भी चला लो, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। हाँ एसी में नहीं होती क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया माहौल रहता है, लेकिन कूलर में थोड़ी सी फील होती है गर्मी। लेकिन ठीक है, अभी दोपहर काटनी पड़ेगी। दोपहर को कुछ खास बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि नींद पूरी करनी है रात को। एक्चुअली आजकल लाइट बहुत जा रही है, सो रात को 1-1.5 घंटे जगना पड़ता है बच्चे के। बच्चा एक्चुअली छोटा बच्चा है, तो उसको हमें हवा हवा करनी पड़ती है। अगर नहीं करते तो फिर उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो 1 घंटे की जगह 4 घंटे हमारे रात के खा जाएगा।
वो 4 घंटे बचाने के लिए हमें 1 घंटे उसके पंखे का सेवा करनी पड़ती है। अभी रात का ये सीन था तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो मैं भी दोपहर को थोड़ा सो जाएंगे और उसके बाद या तो थोड़ा मूवी देख लेंगे। और ये दोपहर ऐसे ही कटेगा क्योंकि गर्मी है, बाहर नहीं जा सकते कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सभी अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना, और जो जा रहे हैं वो खाली AC वाली जगह पे जा रहे हैं, जैसे मॉल हो गया। देखा आपने क्या कर रही थी? ये इनकी ब्लॉगिंग है। गुड इवनिंग गाइस, इवनिंग टाइम और शायद 6:30 हो रहे हैं शाम के, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं शानदार सनसेट। काफ़ी दूर है शॉट, शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। और दोपहर को काफ़ी बिजी निकला, सो नहीं पाए, मूवी देख रहे थे, KGF देखी, और ठीक थी, इतना कोई खतरनाक मूवी नहीं थी। क्योंकि हमें पसंद है एंटरटेनिंग, मीन्स उसमें धड़ाम धड़ूम के सिवा और कुछ भी होना चाहिए, जैसे कॉमेडी गाने होने चाहिए, ठीक है, लव स्टोरी होनी चाहिए, या और बहुत सारी चीज़ें। शुरू पिक्चर शुरू होती है मर्डर से और ख़त्म ही होती है मर्डर में, तो ऐसी पिक्चर हमें समझ में नहीं आती। लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे और उनके लिए होगी भी अच्छी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया उस मूवी में, लेकिन ज़्यादा हम क्रिटिक नहीं करेंगे, क्या पता हमारी हमारे चैनल पे वो दावा बोल दे सारे उनके फैंस। हाँ, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। बहुत लोगों को, मतलब 90% लोगों को अच्छी लगी, बस 2-4-10% लोग हैं जिनको हम जैसे जिनको समझ में नहीं आई, ठीक है। और दोपहर ख़त्म होने के बाद हमने कपड़े धोए, आप देख ही सकते हैं हमारे कपड़े सूखते हुए चारों तरफ। कपड़े धोए मैंने। झूठे कहेंगे, झूठ बोलते हो, मैंने धोए कपड़े। हाँ, क्योंकि इसकी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कपड़े धोए। और बस यही है, और खा पी के सो जाएंगे। ये है आज के मौसम का हाल। आज का संडे कुछ ऐसा गया है, शाम को कुछ बाहर मार्केट जाने का हमने सोचा था लेकिन वो प्लान हमने पोस्टपोन कर लिया क्योंकि उसमें कुछ इतना अर्जेंट सामान नहीं था। जाओ नहीं, ये देखो आना है, वो मेरे अभी आना चाहती। इसको इसकी कंडीशन नहीं पता है, इसके नाप आई हुई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। तो आज का मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा है, मैंने बोला अच्छा नहीं है तो बोल रही अच्छा है। हम मजे हमेशा मेरे बुरे दिख के बोलती है। हाँ नहीं, मौसम बड़ा बुरा हो रखा है और हम घूम रहे हैं और हम अभी चाय भी पियेंगे। और प्लेन बहुत नीचे से निकल लिया है, इतना मोटा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन काफ़ी अच्छी उड़ान लेता हुआ प्लेन, लेकिन हमसे दूर से निकलेगा ये पता नहीं चला। को प्लेन कहाँ है बेटा? हमारे पास से निकल प्लेन वो जा रहा है, प्लेन शायद कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो लेकिन ये काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा है प्लेन। और दर्शक दर्शक देखिए कितने उतावले हुए हुए उतावले, साइलेंटली जा रहा है, चुप्पे चुप्पे जा रहा है। ओ ये गन्ना, कोरोना के प्लेन निकलते थे चुप्पे चुप्पे, वैसे निकल रहा है।